रेडी हो चुके हैं और ये है मेरा आज का लुक। अभी इवनिंग हुई है, दिन में नहीं पहना, अभी 4-5 बजे अभी जाके मैंने ये ड्रेस पहनी। बहुत सारा काम था तो आज व्लॉग भी ज़्यादा नहीं बना पाई। ये शेखावाटी ड्रेस है, मैं दिखा देती हूँ। और ये मैंने पोमचा पहना है, ये इस टाइप का कलर होता है इसमें, पोमचे में। ये 3 टाइप के होते हैं, मैं अभी सीख गई हूँ, पहले नहीं आई थी, मेरे को डिफरेंस नहीं पता। पीला होता है, पोमचा होता है और चुनरी होती है। इसमें थोड़ा सा कलर का डिफरेंस होता है और बंदेज का डिफरेंस होता है, बाकी ये एक जैसी सी ड्रेस होती है। और इसके साथ मैंने पहना है लाख का चूड़ा, ये भी इस ड्रेस के साथ पहना जाता है, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं गाँव आती हूँ, मतलब ससुराल। ये ससुराल है मेरा, थोड़ा सा बाहर से लुक दिखा देती हूँ, ये घर है। और दिन में बहुत सारी तैयारी थी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन अब आगे का कंटिन्यू व्लॉग करेंगे, दिखाएंगे दिवाली की क्या क्या तैयारियां करी हैं और दीपक वीपक जलाएंगे। सो दिवाली पे रेडी हो चुके हैं। ये मम्मी जी का लुक है, घाघरा लुगड़ी पहन के। ये मेरा लुक है। काट यार, अब सुपारी काट रहे। मैं दो चीज जला था, वो है तेरी परदादी को है, दक्ष की कौन सी दादी, सरदादी, दक्ष की सरदादी, सरदादी का है दक्ष ये। और इसके ऊपर पैर मत रखो, ये भी रेडियो पुराने टाइम का, और ये सिक्का 1957 का, एक निकला 1 रुपया। ये रखेंगे अंदर, रखेंगे ये चश्मा भी अलग डिजाइन के, एक बार दिखाइए अंदर रखिएगा, कितना पुराना ये देखो। ये तीर, तीर दिखाइयो पापा जी, पापा जी तीर, रुको रुको दक्ष, तीर, तीर की फोटो खींचने दो। अब वो खोला, तो ये सी इका देखिन पाइप ही, अब पाइप फट गई, वो कर दो पाइप का कुटड़ 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 का बड़ा यो भी दादाजी का, पापा का टाइम को है। हाँ। सर दादा जी का, दक्ष का सर दादा जी। हाँ। ओ वो बास्ते गाल बड़ो है, ओ भी है, अब के वो तो दो ही। हाँ भई, ये मैं लगा के ऊपर वो आग रख दे। अरे एक ही बार टूट, अरे एक माय पड़ गया, एक ही अब ठीक ही लगाए रख लेंगे, ठीक ही। यो पता को नहीं किया था, वापस नहीं पूछे, ये चला अलमारी में से। अब ओ तो सही है, ओ एक माय के अलग है, फिट किया हुआ है, कितनी अलग यूनिक डिजाइन है, एकदम पुराना तो पुराना ही रहे, पुरानी चीज सही है। हाँ क्यों होगी अन A few moments later. So, अभी दीपक जला रहे हैं सभी रूमों में पहले, और फिर बाद में ऊपर सभी जगह होगी रोशनी खूब सारी। So, अभी दीपक वीपक जला रहे हैं, अब सभी रूमों में दीपक जलाएंगे, फिर ऊपर जलाएंगे, चलिए रोशनी करते हैं। अभी आए हैं छत पे और जलाए दीपक वीपक, यहाँ से दिखाते हैं नज़ारे, नीचे से भी दिखाऊंगी, अभी ऊपर का दिखा देती हूँ। खूब सारे दीपक जलाए, ये हमारी हेल्प करने आए, प्यारा सा बच्चा, ये देखो सब जगह दीपक जल रहे हैं, अभी स्टार्ट हुए हैं, कोई जल, किसी किसी के जल गए, कहीं कहीं जल रहे हैं दीपक, देखो वाओ। फेस्टिवल में एक अलग ही माहौल होता है, अलग ही चाव होता है। आज थक गए बहुत 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 ज़्यादा थक गए, कम से कम 150 से 200 दीपक जलाए, कैंडल वगैरह आ गए, और अब नीचे से दिखाएं। डन और थोड़ा थक गए, बट बहुत इंजॉय किया,
फेस्टिवल पे अलग ही उत्साह होता है। अभी भी पटाखे वटाखे बज रहे हैं मेरे और मम्मी जी की तरफ से हैप्पी दिवाली बोल दो मम्मी जी सबको हैप्पी दिवाली सबको। तो बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करी और अभी मेरे और मम्मी जी का पूजा हुई है कंप्लीट। फेस्टिवल में एक अलग ही उत्साह होता है, काम भी बहुत होता है बट उससे ज्यादा हम लोग इंजॉय करते हैं। और कल है रामनवमी का दिन, सब लोग मिलेंगे, सुबह 6 बजे आना स्टार्ट हो जाएंगे, सब आपस में स्नेह मिलन करेंगे और बहुत अच्छा लगेगा। आपको बताओ दिवाली कैसी रही? कैसी? बहुत अच्छी रही। बहुत अच्छी रही। और मम्मी देखो पूरी तैयार हो रखे हैं, ये वाले जो मैंने पहन रखे हैं वही पहन रखे, कितने सुंदर सुंदर सी ड्रेसेस पहन रखी हैं। और ये मैंने आपको दिखाई दी मेरी वाली। सो मिलते हैं कल रामनवमी के दिन। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, हैप्पी दिवाली अगेन।